पाकिस्तान हॉकी की बात करते हैं। पाकिस्तान हॉकी में एक इशू हमने कुछ दिन पहले आपसे शेयर किया था, विच वाज नेशंस कप। नेशंस कप में जाना एक मसला, एक मुसीबत हो गई थी पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए। एंड हमने देखा जिस तरह पाकिस्तान टीम के हेड कोच जो हैं, उन्होंने भी जिस तरह अपील की कि जी फंड्स आने चाहिए। इवेंचुअली खबर यह आई कि हाँ जी फंड्स तो आ रहे हैं, मगर फिर वो फंड्स अभी तक ना ऑन पेपर हैं, सिर्फ कहते ना सिर्फ अभी वर्बली सारी बात हुई है, बट क्या अपडेट है क्या नहीं है, खिजर से जानते हैं। जी बिल्कुल सवेरा, जिस तरह वो एक मिसाल दी जाती है ना कि आसमान से गिरे खजूर में अटके, तो पाकिस्तान हॉकी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि पाकिस्तान हॉकी का जो स्क्वाड है वो तैयार है, मैनेजमेंट भी तैयारियों में लगी हुई है। पाकिस्तान हॉकी ने पहला मैच जनूबी अफ्रीका में खेलना है, मेज़बान जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ 28 नवंबर को। तो गुज़िश्ता रोज़ हमने ये कहा था, आपसे अपडेट भी किया था नाज़रीन को कि जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है उसने यकीन दहानी करा दी है 70 लाख रुपए तक की रकम, और फिर बाद में उन्होंने कहा कि जो टिकटिंग वगैरह का जितना भी खर्चा है वो उठा रहे हैं। तो अब तक जो है कोई मौसूल नहीं हुआ, और आज जब हमने रابطہ किया तो सवाल जब हमने किया कि उसका वो स्टेटस कहाँ तक पहुँचा, तो जवाब ये मिला कि समरी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से मिनिस्ट्री तक जा चुकी है और दस्तखत की मंतज़र है, जो कि वज़ीर हैं वफाकी वज़ीर एहसानुल्लाह मदारी, उनके दस्तखत की मंतज़र है, जिसके बाद जो है वो फर्दर प्रोसेस शुरू होगा। मगर वो इन तमाम तर हालात में वो जो एक हमारे यहाँ एक सोसाइटी में एक वर्ड है कि जुगाड़, तो वो जुगाड़ के तहत जो है वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है वो अपने तमाम तर प्लेयर्स को आज रात जनूबी अफ्रीका के लिए रवाना कर रही है। मगर मैं आपको ये बताता चलूँ कि अफसोसनाक बात है कि दो हिस्सों में जो है ये स्क्वाड है वो जा रहा है पाकिस्तान हॉकी का। आज कुछ खिलाड़ी चले जाएंगे और कुछ खिलाड़ी कल जाएंगे, और उसकी वजह यही है कि जो फंड्स के इंतजाम थे उसमें देर हुई है। मगर फिलहाल कहना यही है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के तहत पाकिस्तान हॉकी टीम जा रही है, फंड्स की यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं, मगर अभी तक कुछ मौसूल नहीं हुआ है। तो ये सिचुएशन है। अब नेशंस कप में अब पाकिस्तान टीम ने परफॉर्म करना है, प्लेयर्स यहाँ से जा तो रहे हैं, मगर वही वाली बात है कि जो स्टेप बाय स्टेप जो जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है खिलाड़ियों को, कि वो कैंप में आ जाते हैं, कमिटमेंट हो जाती है कि हम टूर्नामेंट में शिरकत करेंगे, मगर उसके बाद एक तलवार लटक रही होती है, वो तलवार यकीनन फंड्स की तलवार है। तो एक मैकेनिज्म यकीनन बनाने पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देना होगा कि एटलीस्ट नेशनल गेम को उस तरह से ओन किया जाए कि जिस तरह से नेशनल गेम हमें रिटर्न कर देता है। और जब भी हमने देखा कि माजी में जैसा पाकिस्तान हॉकी तमगे मेडल्स और ये सब चीज़ें लेकर आती थी, अब क्या उस पोजीशन पे वापस आ सकती है, यकीनन हम बहुत दूर हैं, मगर उसके लिए थोड़ी अहमियत देनी होगी। ज़ाहिर है देखें, ये तो रोना ही यही है जो आप मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। मसला मैकेनिज्म तो तब बनेगा जब आपके पास फंड्स की श्योरिटी होगी और आपके पास स्पॉन्सर्स होंगे एंड ऑल। ज़ाहिर है आई थिंक अभी एक नई फेडरेशन में एक टीम आई है, इट्स गोइंग टू, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो भी इस वक्त फायर फाइटिंग अप्रोच पे ही चल रहे हैं, बिकॉज उनको भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, ब्रीदिंग स्पेस उनको नहीं मिल पा रही है। ये बताइए कि क्या ये टीम को आज सुबह रवाना होना था? हमें ये भी पता चला है कि अभी जो कल से दो हिस्सों में जाएगी टीम, लेकिन एक्चुअली इनको आज सुबह डिपार्ट होना था, बिकॉज 28 तारीख को तो इनका पहला मैच है। बिल्कुल, आज सुबह 11 बजे की इनकी जो है वो टिकट्स वगैरह जो हमारी इतलात थी वो रेडी हुए हुए थे, मगर वही है कि फंड्स और थोड़ा सा जो वीज़ा प्रोसेस में टाइम लगा है उसकी वजह से जो अब टीम है वो बजाय आज सुबह जाने के आज रात जा रही है। और तकरीबन 9 खिलाड़ी और ऑफिशल्स हैं जो कि आज चले जाएंगे, और दीगर खिलाड़ी और ऑफिशल्स कल रवाना होंगे। तो ये भी एक अजीब सी बात है कि हमने ये तो सुना था कि मुख्तलिफ मुल्कों में अगर कुछ प्लेयर्स हों, लीग्स में हों, तो वहाँ से होते हुए ज्वाइन करते हैं कैंप को, मगर हम ये देख रहे हैं कि एक कैंप से खिलाड़ी दो हिस्सों में जा रहे हैं। तो बहरहाल यही इस वक्त पाकिस्तान हॉकी की कंडीशन है। आज सुबह रवाना होना था, तहम आज नहीं जा सकी क्योंकि वीज़ा प्रोसेस में और वो फंड के मसाइल, तहम अब आज रात 11 बजे कुछ प्लेयर्स हैं जो कि यहाँ से कराची से ट्रैवल करेंगे जनूबी अफ्रीका के लिए, कुछ प्लेयर्स और ऑफिशियल कल ट्रैवल करेंगे। थैंक यू खिजर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। एंड दिस इज सच अ सैड अफेयर के पाकिस्तान
टीम, पाकिस्तान की नेशनल हॉकी टीम जो कि पाकिस्तान को रिट करने जा रही है एक इवेंट के लिए, उनको इस तरह भेजा जा रहा है जैसे शायद उनके ऊपर एहसान किया जा रहा है कि वो अपनी कोई लोकल कम्युनिटी या कहीं गली मोहल्ले की टीम को जो है वो रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। सो हमारी जो है वो अपील होगी दिफाई वजीर से, एहसानुल्लाह मजारी साहब से, कि बहुत जल्द ये सारी चीज़ें कर दी जाएँ। ये जो हायरार्की है, ये जो सिग्नेचर प्रोसेस है, जो चीज़ें कमिट की गई हैं वो कमिटमेंट जो है उनको पूरी की जाए कि वो टीम वहाँ पे एटलीस्ट फंड्स के बारे में ना सोचे, किस तरह परफॉर्म करना है उसके बारे में सोचे, बिकॉज टुडे इज 23rd नवंबर, 28th को पहला मैच खेलना है हमारी, पहला मैच है बिल्कुल। तो वी नीड टू थिंक पॉजिटिवली, वी नीड टू बी फोकस्ड कि हमें किस तरह फैसिलिटेट करना है अपनी नेशनल हॉकी टीम को। आप अदील अगर आखिरी कोई राइट नहीं नहीं बिल्कुल, आई थिंक वी हैव सेड इनफ एंड आई रियली होप कि ये आखिरी बार ऐसा हुआ है कि इस तरह बेचारों को जो है ना, ये देखिए एक बार याद रखिएगा, इन कॉन्टेक्स्ट आपको याद रखना है कि टूर्नामेंट पाकिस्तान के लिए खेलना बहुत ज़रूरी था अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए, बिकॉज अगर हम नहीं खेलते वी वुड हैव फॉलन टू नंबर 21 और 22 इन इंटरनेशनल रैंकिंग, और पाकिस्तान को 1.5 लाख यूरोस का जुर्माना भी होता, विच नाउ इज़ अ वेरी बिग अमाउंट। जितने फंड्स इनको चाहिए उतने तो वो जुर्माना ही आपको लग जाता, बट अल्हम्दुलिल्लाह द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट द टीम इज़ ट्रैवलिंग थैंक्स टू स्पोर्ट्स बोर्ड के अल्लाह करे इमदाद आ जाए, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, सो कुछ जीत कर भी आए वहाँ से, बिकॉज इसके बाद पाकिस्तान के पास FIH प्रो लीग में खेलने की अपॉर्चुनिटी भी आ जाएगी, एंड वंस यू स्टार्ट प्लेइंग इन द प्रो लीग दैट्स व्हेन यू आर इन द बिग लीग, आप बहुत ज़्यादा मैचेस खेलेंगे और आपकी रैंकिंग भी इम्प्रूव होगी।